हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 3:30 हो रहा है और मैं हूं अपने किचन में। मैं आज बनाऊंगी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो मैंने सोचा चलिए आज का मैं अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूं, तो फिर चलिए बनाते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। और आप लोग आज के मेरे इस ब्लॉग में इसी तरह से बने रहिएगा। और पहले मैं एक आम की चटनी बना लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के साथ आज की अपनी ये बातें इसी तरह कंटिन्यू जारी रखूंगी। तो फिर आप लोग आज के मेरे इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और मैं बना लेती हूँ आम की चटनी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए क्या क्या मसाले यूज करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है खड़ा जीरा, रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, चाट मसाला, मेथी के दाने, सरसों के दाने, और ये है गुड़, और ये है आम जिसे मैंने छील के अच्छे से काट करके धो लिया है। और चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई उस पर रख दिया है और मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है सरसों के दाने। राई जब कड़कने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूंगी खड़ा जीरा, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेथी के दाने, और फिर मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मैंने जो कच्चे आम काट करके रखे हुए हैं उसे, और फिर इन सभी को मैं अच्छे से चला लूँगी। इसे मैं 5 से 7 मिनट तक इसी तरह अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। आम जो है वो अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी गुड़, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ डालने के बाद से मैं इसे अच्छे से चला लूंगी, और गुड़ जो है वो थोड़े से बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा छोटे नहीं हो पा रहे थे तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। इस तरह भी अच्छे से गल जाता है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी इसमें मैं बड़े वाले गिलास से 2 गिलास डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रस्सी रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे से मेरी जो आम की खट्टी मीठी चटनी है वो बन रही है। अब मैंने इसमें डाला है नमक और फिर मैं इसे मिला दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। गुड़ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है और आम जो है वो ज़्यादा खट्टा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। सो फ्रेंड्स, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बन करके तैयार है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, और फिर इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद से मैं गैस को कर दूँगी बंद, और आज की मेरी ये कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। सो फ्रेंड्स, किचन से आने के बाद से देखा कि बच्चे लोगों ने हॉल को बहुत ही गंदा करके रखा हुआ है, तो अब मैं इसे ही क्लीन कर ले रही हूँ। आई होप कि आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे भी मेरे आने वाले वीडियो आप लोग देख पाओगे। तो चलिए फिर मैं पहले ये सब कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, क्लीनिंग करने के बाद से मैं बैठी थी तो देखिए बिट्टो कितनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा ये मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर देखिए आप लोग ये कैसे कर रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब हरकतें इसकी। सो फ्रेंड्स, फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मैंने जो कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाया है वो अब ठंडा हो गया है। मैं इसे एक टिफ़िन बॉक्स में भर करके रख ले रही हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई को कर लूँगी साफ़, और आप लोग इसे एक बार ऐसे ज़रूर बना करके ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, और इसे हम खटमिठिया भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इवनिंग के 5:30 हो रहा है और चाय पीने का भी टाइम हो गया है, तो इसलिए मैंने चाय बनने के लिए एक साइड गैस पर रख दिया है और दूसरे साइड में मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है। और अब मैंने डाला है चाय में अदरक। इसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, मैंने जो कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी तो उसी के बर्तन हैं, तो मैं अब इन्हें साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और
और बिट्टू को भी दूध पिलाने का वक्त हो गया है और शुभम का भी, तो उन लोगों को दूध मैं दूंगी। तो चलिए फिर मैं ये सब कर लेती हूँ। और आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। तो फिर मैं ये सब कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से अपनी ये बातें आज की इसी तरह कंटिन्यू जारी रखूँगी। सो फ्रेंड्स, चाय बनके तैयार है, अब मैं इसे छान ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसे लेकर जाऊँगी हॉल में। सो फ्रेंड्स, चाय बनके तैयार है, चलिए चलते हैं हॉल में और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं अपना चाय भी पी लूँगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। आई होप कि आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरा चैनल अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आगे भी आने वाले वीडियो आप लोग देख पाओगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स एंड अपना ख्याल रखें।